की i10 न्यू स्पोर्ट्स की मैं फुल रिव्यू देने वाला हूँ। ORBM प्रोजेक्टर फॉग लैंप हेडलाइट अपने सेगमेंट की टॉप सेलिंग कार से i10 न्यू स्पोर्ट्स। स्मोक इफेक्ट हेडलाइट्स आते हैं, टर्न इंडिकेटर लाइट्स, ORBM प्रोजेक्टर फॉग लैंप। साइड लुक काफी अच्छा डिजाइन है। फ्रंट में अलॉय व्हील ट्यूबलेस टायर, टायर साइज 165/13/14 और इसमें हमें डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं और डोर मिरर्स में हमें टर्न इंडिकेटर लाइट्स मिलते हैं। चलिए डोर ओपन करते हैं और अंदर की सारी जानकारी आपको दे देता हूं मैं। व्हाइट और ब्लैक फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फोर डोर में आपको फोर स्पीकर्स मिलेंगे। कुछ इस तरह का लुक है डैशबोर्ड का, फ्रंट का काफी प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है। अपने सेगमेंट में रियल्स का काफी स्टाइलिश लुक है इसका, इस तरह से दिखाई देता है फ्रंट सीट लुक। यहाँ पर आपको सीट को एडजस्ट करने के लिए सारे कंट्रोल मिलते हैं, आप हाइट ज्यादा कम कर सकते हो। सीट के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो आप फील्ड लाइट का ओपनर है। थोड़ा ऊपर की नजर डाले तो हेडलाइट्स यहाँ से ऊपर और नीचे सेटिंग कर सकते हो। अंदर की ओर आप देख सकते हो क्लच ब्रेक्स, एक्सीलेटर और बोनट ओपनर्स। चलिए अंदर की ओर बढ़ते हो, आपको अंदर का नजारा बिताते हैं। फ्लिप की इसमें मिलेगी आपको। चलिए इग्निशन ऑन करके आपको बिताते हैं। और कुछ ऐसा आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग के ऊपर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने को, जैसे कि एयर, इस तरफ आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, इस तरफ आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे आपको। और NRI RPM मीटर्स है आपको देखने को मिलेगा और इसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको शो करेंगे, जैसे कि स्पीड, किलोमीटर्स, फ्यूल। डोर अगर ओपन है तो भी आपको दिखाएगा, बूट इसमें ओपन है तो भी आपको दिखाएगा। यहाँ पर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन मिलेगा। इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसमें, इसमें 4 स्पीकर्स है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट करेगा। काफ़ी बढ़िया प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको इसमें मिलेगा। ब्लूटूथ भी कनेक्ट करता है और आप मैप्स और नेविगेशन भी चला सकते हो। ब्लैक फिनिश में काफ़ी बढ़िया डिजाइन लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको साइड लाइट स्विच दिए और साइड में आपको AC के वेंट्स देखने को मिलते हैं और इसमें फुल क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक AC आती है और इस तरफ आपको हीटर और कूलिंग के कंट्रोल्स मिलते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर USB का पोर्ट है और साथ ही आपको 12V चार्जर पोर्ट मिलेगा। नीचे ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप मोबाइल वगैरह रख सकते हो। और ये 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है और नीचे की ओर आपको ग्लास होल्डर्स मिल जाएगी, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, हैंड ब्रेक्स मिल जाएगी और इस तरह का ग्लोव बॉक्स दिया हुआ है। और ये AC वेंट में आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और फ्रंट में ड्राइवर और पैसेंजर साइड एयरबैग दिया हुआ है। चलिए बाहर की ओर डोर ओपन करते हैं और रियर सीट की आपकी सारी की सारी जानकारी बता देता हूँ आपको। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। पीछे का जो रियर सीट है कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। और यहाँ पे ब्लैक फिनिश में पावर विंडो स्विच दिया है और ब्लैक एंड वाइट कवर दिया है इसका। चलिए अंदर की ओर बढ़ते हैं और आपको बताता हूँ स्पेस कितना है इसमें। और देखिए AC वेंट। चलिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। रूफ लाइट्स, सनरूफ्स, ORBM, कुछ इस तरह का आपको रियर लुक दिखाई देता है। ओके चलिए कैमरा पीछे की ओर मुड़ाते हैं। ये देखिए रियर सीट्स काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर आपको i10 की बेसिक मिलेगी। ऊपर की ओर आपको रूफ रेल्स मिलेगी और आपको रियर लुक इस तरह का आपको दिखाई देता है i10 न्यू स्पोर्ट। यहाँ पर आपको लोगो मिलेगा और ये सेंसर कैमरा मिलेगा। अगर हम इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 37 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। ऊपर की ओर शार्प सेनी और स्पॉयलर्स आता है इसमें। चलिए डिक्की ओपन करते हैं और इसकी अंदर की जानकारी आपको दे देता हूँ। अगर हम इसके अंदर की बूथ स्पेस की बात करें तो 260 लीटर का इसका बूथ स्पेस है। चलिए नीचे की ओर देखते हैं। देखिए स्पेयर व्हील यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेयर व्हील जैक वगैरह। ऊपर की ओर कवर लगा हुआ है, काफ़ी स्पॉटी लुक दिया हुआ है इस कार में। ऊपर की ओर आपको i10 की बेसिक मिलेगी, रूफलेस मिलेगी, फ्यूल टैंक ढक्कन। चलिए अब रियर टायर्स की बात करें, इसमें अलॉय व्हील मिल जाती है। में ड्रम्स ब्रेक दी हुई है। टायर साइज की बात करें तो 165/13/14। आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको फ्रंट डोर ओपन करके आपको बताता हूँ। देखिए ब्लैक और वाइट फिनिश में दिया हुआ स्पीकर्स यहाँ पे। देखिए डैशबोर्ड लुक। चलिए डोर क्लोज करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर आपको इंजन रूम की तमाम जानकारियाँ दे देता हूँ। अगर हम इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर पेट्रोल कापा इंजन है इसमें। अगर हम इसके इंजन CC की बात करें तो 1197 CC का इसका इंजन है। 82 BHP, 6000 RPM, 114 NM। अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो 21 KMPL का इसका माइलेज है। 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया हुआ है इसमें, मैनुअल। अगर हम इस कार की प्राइस की बात करें तो 6.5 से 7.5 के आसपास की इसकी प्राइस है।
अगर हम इसकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एयरबैग्स, पैसेंजर एयरबैग्स, एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलाइजर प्रोग्राम, इंजन इमोबिलाइजर, सेंटर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, पावर डोर लॉक्स। तो ये i10 न्यू स्पॉट रिव्यू वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी दिए हुए हैं, उसे फॉलो कीजिए, वहाँ भी आप बातचीत कर सकते हो। चलिए इस तरह के नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए जय हिंद, वंदे मातरम। Tell me that you love me, even if it's fake.